सभी दोस्तों को नमस्कार, और जिनका भी जन्मदिन हो उन्हें बधाई हो। रूटर बेटर जोड़ लिया आज हमने, और उसे फाइनल करके आते हैं खेत को, फिर पुष्टि करेंगे। ये चल रहा है जी रवित बाबू का सोनालिका 750 TI। आज है 12 मार्च 2023, खेत की जुताई करने का, फाइनल जुताई करने का लग्गा आप शुरू करते हैं। बिल्कुल सूरज देवता आज ठीक ठाक अवस्था में है, बिल्कुल फुल मूड में है। अब करते हैं जुताई शुरू। यो सबसे बढ़िया खेत तैयार होएगा। मट्टी है रेतीली थोड़ी सी, इधर वो खींच के आई ही उस साइड से मट्टी। क्रिकेट के मैदान में पिच हो, बिल्कुल ऐसी बना दी है चिकनी, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल धुआं नहीं दिखाता है ट्रैक्टर, बेहतरीन तरीके से रवा है इसका इंजन। 7 फीट के रूटर में वो खींचने के मामले में अच्छे अच्छे ट्रैक्टर धुआं दे जाएंगे, छोटे मतलब इसके लेवल के 35 हॉर्स पावर के। लेकिन जो ट्रैक्टर देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रमा हुआ है, इसका इंजन बिल्कुल भपकी नहीं है। हमारे तो खैर एक काम इसने ही कर दिए बेचारे ने, बड़े से बड़े छोटे से छोटा। फाइनल फेरा, खेत हो गया बिल्कुल बढ़िया। अब ये दोपहर को या दोपहर से होंगे, अब देखते हैं क्या हालात होते हैं बीच के। लो जी इसकी जुताई तो हुई संपन्न, पर हैल भी बतेरा हो गया, हो भी बारीक गया बिल्कुल। सबसे बढ़िया खेत तैयार ही हुई हो यार तीनों में से। और ये हमारे पड़ोसी आ गए हैं जी, पूरे फत्तेपुर को ले गए, पूरा गांव ही दिखाई दे रहा है तो खेत में है भाई। आधा घंटे में तो बोई दो हो गए। राम राम साहब, अब तो 2 घंटे में बो के चले जाओ घर को। अच्छा शाम तक ही बोएगी हो, चलो जी हम भी लामे साहब बीज भी तैयार करवा के। थोड़ी सी जुताई दूसरे खेत की और है जी, उसे और करिए हम, चौड़ा पड़ा उसे काट देंगे। लो जी सोवित का गन्ना बोया कल, सोवित ने भी तो काम में निपट गया, भेड़िया फिर रही है। यो है थोड़ा सा बीच, ये चौड़ा डाल दिया इसे, जरा कट जाकर रूटर से, उससे पहले जरा बीज का मुआयना कर लें बीज के क्या हालात हैं। छोला भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे, 3-4 छोला हैं खेत में, अब वो कर रहे हैं। मैं भी इतने जुताई कर लूं, खाद का कट्टा लाना है एक दुकान पर से,
बस ऐसे ही अगर नहीं अब आ रहा सतेंद्र गाड़ी भरने, वो गाड़ी भरवानी है उड्डू चतर पर काम फैलाएं एक साथ जब फैलाएं कभी कभी। तो जरा सा खेत जोता है थोड़ा सूखा है और देखो बंदर बन गए हम भी, तमाम धूल ही धूल हो गई ट्रैक्टर पे भी। ये देखो इतनी धूल खड़ी हो गई। सतेंद्र भी आ गया गन्ना भरने, अब पहले गाड़ी भरवाऊँ, अब वो करवा रहा बीज का काम गुड्डू, तो इतना गाड़ी फिर मैं ही भरवाऊँ आज की। तो जी प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया हमने, हम पहले भरेंगे बीज इसमें उतारेंगे खेत में, उसके बाद दोपहर या दोपहर के बाद भरी जाएगी वो गन्ने की गाड़ी। है भी सतेंद्र सही है? चलो ये पक्षी बहुत दिनों में दिखाई दिए हैं ऐसे लाइन बनाते हुए, विदेशी प्रवासी पक्षी हैं ये। वाह कितनी लंबी लाइन। तो जी सतेंद्र को तो भेज दिया घर को, मन क्या उसके ट्रैक्टर से बीज उतार देंगे खेत में को, बाद में भरवा देंगे, इस टाइम काम भी फैल ले आ जाते। मैं भी नहीं आया हूँ, ये बीज भर रहे हैं जल्दी है, चश्मा लगा कर जोत रहे हैं बिंदास, बहुत बढ़िया शाबाश। गिराओ दो तरफ गिराओ, जरूर भी गिराओ। अब कट रहा है जी हमारा बीज दोपहर से, अब तो सुबह को बोया जाएगा, बालक देगा धोखा। हम जा रहे हैं जी घर को, ये आ रही है बुग्गी मिस्टर हरवीर सिंह की। अरे भाई हटा लो यार रास्ते में से। तो जी आज तो गन्ना बुम ना पाया क्योंकि जो बीज काटने वाले बंदे हैं वो ना मिल पाए टाइम पे, तो अब जो है गन्ना बोऊंगे सुबह को, तो थोड़ा सा बीज कटवाया है दूसरे आदमी को पकड़ के, सुबह को बीज कटवा के बच्चे पकड़ लेंगे दो चार पक्षी डालने के लिए, वो गन्ना बोऊंगा सुबह को। थक गए आज हम भी और गुड्डू भी दोनों ही, इसलिए ज़्यादा जद्दोजहद भी ना करी बोने की, मैं तसल्ली से बकल को बोऊंगा आराम से, रात रात में ना बीज सूख रहा। तो आज का ब्लॉग तो यहीं समाप्त करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।